Good morning, students. As you have already studied, volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube, and volume of a hemisphere, means half of the sphere, is 2 by 3 pi r cube. Now moving to question number 6 of exercise 13.8, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 cm thick. ये एक hemispherical tank है, जिस जो iron sheet से बना 1 cm इसकी thickness है. Now you are given that the inner radius of the tank is 1 meter. Inner radius, ये center मान लेते हैं, तो center से ये 1 meter का radius है. अब क्योंकि ये 1 cm thick है, तो thickness को भी हमने meters में convert करा, तो 0.01 meter. Now the outer radius will be 1 meter plus thickness, that will give you 1.01 meter. Now you have to find the volume of this sheet. इस शीट जो लगी हुई है आयरन की, इसमें कितना वॉल्यूम है ये बताना है. इसका मतलब आउटर वॉल्यूम में से हम इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट मिल जाएगा. आउटर वॉल्यूम हेमिस्फीयर है तो 2.3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब. आउटर का हमने रेडियस आर कैपिटल से डिनोट किया था, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर रेडियस स्मॉल आर से है तो 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई कॉमन ले लिया, अब कैपिटल आर की जगह रखा 1.01 मीटर्स और स्मॉल आर की जगह रखा 1 मीटर. और इस कैलकुलेशन को आप अपने आप पूरा करके आंसर निकाल लेंगे. आई होप यू कैन डू दीज कैलकुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको याद होना चाहिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया. दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आपने रेडियस कैलकुलेट कर लेना अपने आप, ठीक है. रेडियस आपका आ जाएगा आंसर 7/2 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर यू नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब. बस आर की वैल्यू 7/2 सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट द आंसर by yourself. This is a very important question. Now question number 8 is a dome of a building is in the form of a hemisphere. Dome matlab gumbad, hemispherical form mein hai. From inside it was whitewashed. Andar ki taraf se uski whitewashing hui. A whitewashing ki cost lagi 498.96 rupees. Now rate of whitewashing was rupees 2 per square meter. एक square meter को whitewash करने के लिए 2 रुपए लगे थे और total wall को जो dome था उसको whitewash करने के लिए rupees 498.96 rupees लगे. तो हमें निकालना है पहले तो inner surface area और फिर volume. Now you know that rate into area. जितना एरिया होता है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आती है. अब क्योंकि ये डोम है और अंदर की तरफ से वाइट वॉश किया गया है, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एरिया हो गया. इनटू रेट आपको रुपीज 2 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू कॉस्ट रुपीज 498.96. नाउ यू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एज 249.48 मीटर स्क्वायर. जब हमने 498.96 को 2 से डिवाइड किया, रुपीस से रुपीस कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि डोम है तो आप जानते हैं अगर ये ऐसे बिल्डिंग है और ये ऊपर ऐसे डोम रखा गया है तो ये वाला पार्ट सिर्फ व्हाइट वॉश हुआ है, ये बीच वाला तो कुछ व्हाइट वॉश हुआ नहीं है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आया. अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे आप आर कैलकुलेट कर लेंगे. रेडियस रेडियस विल कम आउट टू बी 6.3 मीटर. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम? दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2.3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू 6.3 मीटर्स डालिए और ये कैलकुलेशन अपने आप करके वॉल्यूम ऑफ द डोम निकाल सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 9 इज 27 सॉलिड स्फीयर्स each of radius r and surface area s are melted and recast into a form of a sphere with surface area s dash. ab aap jab ek kuch shape ko lekar usko melt karte hain, piglate hain
और फिर एक दूसरी शेप में डाल देते हैं, तो वॉल्यूम जो होती है मैटर की वो सेम रहती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब जो 27 स्फीयर्स थे उनमें एक की वॉल्यूम थी वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर इंटू 27। ये मेल्ट करके जब नया स्फीयर बना एक बड़ा सा, उसकी वॉल्यूम ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब स्मॉलर स्फीयर्स जो दिए हैं वो रेडियस आर दिया है, और जो नया स्फीयर बना है वो आर डैश है उसका रेडियस। सो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, जो लार्ज स्फीयर की वॉल्यूम हुई। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। नाउ यू नो दैट 27 इज 3 का क्यूब, तो 3 क्यूब इंटू आर क्यूब मीन्स 3 आर का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब, और आर डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर। ये रिलेशन मिल गया आपको। कई बार आपको इसी क्वेश्चन को छोटा करके शॉर्ट में पूछना हो तो सिर्फ यहीं तक, रेडियस तक भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट दिया है, फाइंड द रेशियो एस एंड एस डैश। तो एस था छोटे वाला स्फीयर का सरफेस एरिया, और एस डैश जो न्यू बना था। अब क्योंकि सरफेस एरिया होता है 4π रेडियस का होल स्क्वायर, तो हमारे पास रेशियो आया 4πr² = 4πr′ का स्क्वायर, क्योंकि ये जो नया स्फीयर जिसका सरफेस एरिया एस डैश था उसका रेडियस आर डैश था। इससे हमें मिला r² = r′ का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4π और 4π तो कैंसिल हो गए। अब r' की जगह हम रख देंगे ये 3r जो हमने रिलेशनशिप फर्स्ट निकाला था फर्स्ट पार्ट से। तो दिस विल गिव यू r² से r² कैंसिल हो गया, 1:3 का स्क्वायर, दैट मीन 1:9। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कैप्सूल है जो कि स्फेरिकल शेप में है, उसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है, तो रेडियस हो गया 3.5/2। अब उसमें कितनी मेडिसिन फिल करना है, मेडिसिन फिल करना स्फीयर के अंदर का मतलब स्फीयर की वॉल्यूम निकालना। तो जितनी मेडिसिन चाहिए उसके अंदर फिल करने, मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। बस आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और मिलीमीटर क्यूब में यहाँ पे आंसर आप अपने आप निकाल लेंगे यहाँ पे। आई होप ये सारी कैलकुलेशंस आप कर पाएंगे। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।